नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। दोपहर वार में मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। कानून व्यवस्था पर सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। 2017 में जिस बात का सबसे ज्यादा जिक्र भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो थी प्रदेश में कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, यानी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई। लेकिन दो साल बाद 2019 में आज जो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो कानून व्यवस्था ही है। यानी जो 2017 में स्थिति थी वही 2019 में है, यानी हालात बदले नहीं। उत्तर प्रदेश में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो चुके हैं। आपको यह बता दें कि उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते अपराध और बिगड़ते कानून व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक बड़ी बैठक बुलाई है और इस बड़ी बैठक में 75 जिलों के जिलाधिकारी, 75 जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक, ये सभी आए हैं। बकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ ये जानकारी लेंगे कि आपके जिले में क्राइम का ग्राफ इतना बढ़ क्यों गया है, आपके जिले में 2018 में इतनी लापरवाहियां क्यों हो रही हैं, आपके जिले में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े क्यों हैं। ये सारी जानकारी लॉ एंड ऑर्डर के हेड यानी जिला अधिकारी को और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी निभाने वाले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आज सीएम योगी आदित्यनाथ को देनी है। देखिए, इस तरह की बैठकें हर 6 महीने पर होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सीएम योगी आदित्यनाथ, इन सबके बीच सामंजस्य बना रहे। और अगर इन सबके बीच सामंजस्य बना रहेगा तो दोपहर वार जो सभी दर्शक देख रहे हैं वो सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये होना चाहिए। लेकिन ये आमतौर पर हो नहीं रहा है, इस बात को योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह से जान रहे हैं, इसलिए वो अलर्ट है, सजग है और गुस्से में भी है। कल डीजीपी ने इस बात को माना, आपने भारत समाचार के जरिए इस बात को देखा भी था कि उन्होंने ये बात बताई कि कानून व्यवस्था के मामले में हम थोड़ा पिछड़े हैं। और ये बात आपका उत्तर प्रदेश का डीजीपी कर रहा है। और दूसरी बात यह भी समझिए कि जो ये बैठक हो रही, जितने भी पुलिस अधिकारियों को आप देख रहे हैं, जितने जिला अधिकारियों को देख रहे हैं, मोबाइल जमा करके आए हैं। बकायदा इस स्लिप में जो गुलाबी कलर की आपको स्लिप दिख रही है, हो सकता है कि इसमें लिखा हो अतुल कुमार शर्मा, हो सकता है इसमें लिखा हो कौशल राज शर्मा। बकायदा अब इन अधिकारियों को मोबाइल जमा करना पड़ेगा। ये कौन सी बात है? क्या अधिकारी सीएम योगी आदित्यनाथ की गोपनीय बात को बाहर लीक कर दे रहे हैं? इस तरह से अधिकारियों के फोन क्यों रखवाए गए हैं? और क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर यकीन नहीं है? दो चीजें हो सकती हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ दोपहर वार के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है और इनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि 2017 ये सन है या 2019। मैं इस बात को इसलिए जोर देकर कह रहा हूं कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो डंके की चोट पर आई थी कि कानून व्यवस्था को हम बेहतर कर देंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान है। शबनम पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने पहले से हाथ जोड़ लिया, अच्छी बात है। शबनम पांडे जी, आपका बहुत स्वागत। एपी तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे इन्हें क्यों बुलाया गया है? इसलिए क्योंकि ये बता सकेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में और साथ साथ कानून व्यवस्था में क्या हालात है। और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत। और थोड़ी देर में हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी सुब्रत त्रिपाठी गाजियाबाद से जुड़ जाएंगे। वीरेंद्र जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। ये 2019 तो चल रहा है लेकिन 17 जैसी स्थिति है, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, आप लगातार देख रहे हैं, चोरी डकैती बढ़ी है, जरूर बड़े अपराधियों पर लगाम लगा है, एनकाउंटर हुआ है, उसके आंकड़े हमारे पास है, प्रस्तुत किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, लेकिन हालात अभी बदले नहीं हैं, बेहतर नहीं हुए हैं कि हम कह सके कि उत्तर प्रदेश में हालात बदले, क्यों? देखिए, पहले डाकुओं की चुनौती थी, उसका खात्मा हुआ, गैंग्स थे उन पर भी काफी लगाम लगाई गई, लेकिन एक खत्म होती है, दूसरी नई चुनौती आ जाती है। महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, ये हमारी सामाजिक एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है। सरकारों के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि कोई अपराध होने से पहले वो जान जाए और उस क्राइम को रोक दे, लेकिन ये जरूर है कि जब घटना के बाद वर्कआउट सही होगा, सही अपराधी पकड़े जाएंगे तो और उनको कठोर सजा मिलेगी, तो निश्चित ही इससे अपराध में कमी आएगी। आज की जो बैठक है, मुख्यमंत्री ने जो बैठक बुलाई, ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि डीएम और एसपी जो जिलों में तैनात हैं
वो ये मुख्यमंत्री से रूबरू होकर जानते हैं कि सीएम की क्या प्रायोरिटी है, किस क्राइम पर सीएम नाराज है, किस जिले पर ज्यादा और काम करने की जरूरत है और कहां किस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री की इच्छा क्या है। तो सरकार जो चलाने वाला मुखिया उसका विश्वास हासिल होता है और उसके जो रोड मैप होता है, उसका जो प्रोग्राम होता है आगे का, वो पता लगता है। तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रदेश में देखिए, बलात्कार की घटनाएं हुई, चाहे कुशीनगर, कानपुर और आपका अलीगढ़, आज भी चल रहा है। अभी चुनाव के ठीक बाद अमेठी में प्रधान की हत्या की गई, सुरेंद्र सिंह की, स्मृति ईरानी उसमें आई थी, बिल्कुल, उसमें नामजद लोगों को जेल भेजा गया। तमाम सवाल उठे कि जो मारे वो बच गए, नामजद करा दो वो जेल चले जाते हैं। कई बार ऐसी भी बातें होती हैं, खुलासे पर उंगलियां उठती हैं। और बाराबंकी का आपको याद है, 23 लोग जहरीली शराब से मर गए। प्रदेश के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन कानून व्यवस्था किसी सरकार के लिए सबसे बड़ा पैमाना होता है, उसी पे जनता उसको कसौटी पे कसती है। और अगर उसमें सरकार खरा नहीं उतरती, स्वाभाविक है कि उसको गुस्सा झेलना पड़ता है। सपना पांडे जी, जो कमिटमेंट आपने किया था 2017 में, वही चुनौती फिर है, यानी दो साल आपने कुछ किया नहीं, किया लेकिन वो दिख नहीं रहा रिजल्ट। राहुल जी, हमारी सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसमें मुख्यमंत्री आते कहते हैं कि अपराधियों को या तो अपराध छोड़ना होगा ये, या प्रदेश छोड़ना होगा, और पहली ऐसी सरकार है जो मुठभेड़ करती है। इसी बात पर तो कई लोग सवाल उठा देंगे। नहीं, 60 से ज्यादा ऐसे दुर्दान अपराधी थे जिनका मुठभेड़ में जिनको मारा जाता है, और 12,000 से ज्यादा अपराधी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जमानत रद्द करा के आत्मसमर्पण किया न्यायालय में। और सरकार बार बार इस तरीके की बातें कहती रही कि कोई भी अपराधी अगर चिन्हित हो जाते हैं तो उन्हें बख्शना नहीं है, किसी भी थाने में FIR ना करने का दबाव पहली ऐसी सरकार है जिसमें नहीं कहा गया। आंकड़े इसलिए बार बार लोग कहते हैं आंकड़े बढ़ गए, क्योंकि हमारी सरकार ने इससे कहीं भी परहेज नहीं किया कि आंकड़े अगर बिगड़ते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अपराधी और आरोपी के अगेंस्ट कंप्लेन होना चाहिए और कंप्लेन होने के बाद तुरंत अपराधी पकड़े जाने चाहिए। और थपथपाना बड़ी अच्छी नहीं, बात देखिए अपनी सरकार की प्रशंसा करनी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो आप बलात्कार की घटना कहते हैं वो असंगठित घटना है, उससे तो पड़ेगा ना, वो असंगठित घटना है, और उसमें इन दुर्घटनाओं में ज्यादातर परिचित लोग होते हैं। जो घर के अंदर पांडे जी, सरकार की जिम्मेदारी ये है संगठित घटनाओं को रोकना, असंगठित घटनाओं को इग्नोर कर देना। जो परिवार के लोग अंदर करें, जो परिवार के लोग अगर जिस तरह की घटना करें तो उसके बारे में जानकारी सरकार नहीं लगा सकती, पुलिस महकमा नहीं लगा सकता। जहां पे पुलिस महकमे की लापरवाही है उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, उसमें कोई हीला वाली नहीं होती कि पुलिस को बख्श दिया जाए या फलाने को बख्श दिया जाए। जब आपने ये बयान सुना शबनम पांडे जी, एक मिनट मैम, सबको सुनना पड़ेगा और दर्शकों को भी इंटरेक्ट करते रहिए। जब आपने ये सुना कि पुलिस के हेड कप्तान DGP पूरे उत्तर प्रदेश के जब ये कहते हैं कि नो डाउट अपराध बढ़े हैं और महिलाओं के खिलाफ भी अपराध बढ़े हैं, तब आपको उनकी ये बात कैसी लगी, कैसा महसूस किया आपने? देखिए, उन्होंने आंकड़ों को लेके कहा होगा, मैं बार बार कहती हूँ, आज महिलाएं कम से कम ये समझती हैं कि हम जाके अपना रिपोर्ट लिखा सकते हैं, मनाही नहीं होगी। अगर मनाही होगी और कंप्लेन हो गया तो वो पुलिस अधिकारी या कर्मचारी बख्शा नहीं जाएगा, ये एक विश्वास महिलाओं का हो गया। आप अगर जाके देखें तो एक छोटी सी छोटी घटना का भी महिलाएं चाहे 1090 में लिखाएं, 181 में लिखाएं या थाने में जाके लिखाएं, कंप्लेन लिखा रही है, ये विश्वास महिलाओं का तर्क है शबनम जी का कि FIR बड़ी आसानी से लिखी जा रही है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। शबनम जी अपनी बात रख रही है। AP तिवारी जी, राज्य या देश तभी सुरक्षित हो सकता है, तभी बेहतर हो सकता है जब लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बेहतर हो। लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था आपको अच्छी लग रही है, अखबार सुबह उठाकर देख रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है आपको? राहुल जी, जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, ये किसी भी सरकार का प्राथमिक दायित्व है, और आज की जो बैठक हो रही है वो सबसे पहले कानून व्यवस्था पे ही मुख्यमंत्री ने चर्चा केंद्रित की है। समीक्षा बैठक का आरंभ कानून व्यवस्था को लेकर, उसके बाद विकास। ओके, साफ है कि विकास के पहले सुरक्षा व्यवस्था, या ये कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था विकास की एक पूर्व शर्त है, इसको मुख्यमंत्री भी मानते हैं
और इसी क्रम में इस समीक्षा बैठक का कहेंगे आह्वान किया गया है। रोक रहा हूँ, मेरा एक काउंटर सवाल है सर। मैं आपको रोक रहा हूँ, मेरा एक काउंटर सवाल है सर जी। जिस बात को आपने डंके की चोट पर कही, जिस बात को आपने उत्तर प्रदेश की जनता को रटा दिया, अगर वही आपके शासन में हो रहा है तो इसे हम कैसे देखें सर? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, कैसे देखें इसे? देखिए राहुल, ये एक समझने की बात होगी। समझाइए प्लीज। कानून व्यवस्था की स्थिति का जहाँ तक सवाल है, बच्चियों और महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं, जो उनकी रिपोर्ट सामने आ रही है, क्या हमें सबनम पांडे जी की बात को इत्तेफाक मान लेना चाहिए, सच मान लेना चाहिए? वो ये कह रही है कि इसलिए इस तरह के मामले सामने लगातार आ रहे हैं कि FIR बड़े आराम से लिखी जा रही है। नहीं, लोगों का विश्वास पुलिस व्यवस्था पे। आपका टाइम ओवर हो गया। एपी तिवारी जी, नहीं, अतीत में अगर देखें, बिना किसी सत्ता प्रतिष्ठान को नाम में लिए हुए किसी राजनीतिक दल के, ऐसा होता रहा है कि FIR लॉज नहीं की जाती थी, लेकिन कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने की कोशिश होती थी कि रिपोर्ट न क्यों हो लेकिन तुरंत कार्रवाई होती थी, वो एक अलग सवाल है। वर्तमान की जो स्थिति है उससे मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री स्वयं चिंतित हैं और गंभीर है इस बात पर कि किस प्रकार कानून व्यवस्था से कुछ तो नहीं होगा ना। चिंता अगर करना है तो अखिलेश यादव करें राहुल, चिंता करना है तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग करें, बसपा के लोग करें। राहुल, जो मैं रखना चाहता हूं बात, वो ये कि जो जिले में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिला कलेक्टर होते हैं, पुलिस कप्तान होते हैं, वही तो सरकार के आंख और कान होते हैं, उन्हीं के माध्यम से, ठीक है, उन्हीं के माध्यम से कानून व्यवस्था को बेहतर है। सरकार अपना विजन बताएगी, अच्छी बात है, सरकार विजन बताएगी। आपका एक सवाल था इनसे जी। हम मानते हैं कि सरकार की नीयत अच्छी है, लेकिन जब आप बेईमान पुलिस अफसरों को जिले में पोस्ट करेंगे, SP बनाएंगे और वो जाके थाना बेचेंगे, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? वीरेन जी, यही बात तो मैं साफ करना चाहता हूं कि जहां तक मुख्यमंत्री का संबंध है, वह इस बारे में गंभीर हैं, चिंतित भी हैं, और ये भी महत्वपूर्ण है कि उनकी एक ईमानदार छवि है, उनकी एक कहेंगे कठोर गवर्नेंस की एक छवि है, और उसी कठोर गवर्नेंस की छवि को निचले स्तर तक पहुँचाना चाहते हैं, जिससे अधिकारी भी अधिक जवाबदेह बनाए जाए, इसीलिए अधिक पारदर्शिता से कार्य करें। पुलिस के घूस, ये इन्होंने बता दिया, क्यों आते हैं? पुलिस में भ्रष्टाचार की शिकायतें फिर क्यों आती हैं? थानों में पैसा लेके अपराधियों को क्यों छोड़ा जाता है? ये तो शबनम जी का सवाल है ना, ये तो एपी तिवारी जी से क्या सवाल? शबनम जी सवाल है, एक भी भ्रष्टाचार जो सामने आया और उस पर कार्रवाई नहीं हो, ऐसा नहीं होता। अगर भ्रष्टाचार देखिए, पुराने लंबे समय से छत्रक पार्टियों के थाना अध्यक्ष ने पत्रकार को पीटा, उसके ऊपर पेशाब कर दिया, आज शामली की घटना है जी, कार्रवाई हो गई। ये कार्रवाई निलंबन कोई कार्रवाई है? देखिए, निलंबन पहले करने के बाद, पूरी विवेचना होने के बाद, विभागीय विवेचना होने के बाद उन पे कड़ी कार्रवाई और होगी, पर निलंबन तुरंत हो गई। ये नहीं कि उनका कोई संरक्षण, ठीक है, लंबे समय से छत्रक पार्टियां जो रही बात हो गई, वो इतना, हमने आपकी बात सुन ली, आप जो कह रही है वो बहुत सम्मान के काबिल है। साधना जग्गी जी, यहाँ शबनम पांडे जी बहुत क्लियर और साफ कह रही है कि देखिए, हमारे यहाँ जो संगठित अपराध थे हमने उसको रोक दिया है, लेकिन जो असंगठित अपराध थे, जो घरेलू अपराध है, उसको हम नहीं रोक पा रहे हैं या रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए मामले सामने आ रहे हैं कि महिलाएं जब थाने जाती हैं उनकी बात बड़ी आसानी से सुन ली जा रही है, FIR लिख ली जा रही है, ये ग्राउंड पर हो रहा है? आप सामाजिक कार्यकर्ता, जरा बताइए, क्लियर बताइए। देखिए, अभी जैसा हमारे यहाँ कथनी करने में तो बहुत अंतर है, कथनी करने में बहुत अंतर है, ऐसा नहीं हो रहा। FIR जो है नहीं लिखी जा रही है, आप देख ही लीजिए, गरीब आदमी की सुनवाई नहीं है। मुझे कितने फोन आते हैं, कितनी लेडीज के फोन आते हैं कि मैम आप हमारे साथ चलिए, परसों ही किसी का आया और आप चल के हमारी FIR लगाई लिखवाइए। जब हम लोग जाते हैं तब FIR लिखी जाती है जी। कितनी जगहों पर जा पाती है, कितने लोगों तक पहुंच पाती है? हम लोग कम से कम 15-20 लोगों के पास तो रोज पहुंचते हैं, ये डेली जी, और उन लोगों की FIR लिख ली जा रही है। जब हम लोग उनके साथ जाते हैं तब तो लिखी जाती है, परंतु कुछ ना कुछ टालमलोल तो की जाती है। मतलब देखिए, मैं एक बात और कहना, नहीं बस हो गया ना, मैं शबनम जी के पास जाऊंगा ना, फिर डायरेक्ट आपकी बात शबनम जी से होगी। शबनम जी, ये क्या स्थिति है?
आप जो कह रही थी कथनी करनी में तो अंतर हो गया ऑन एयर। देखिए मैं पार्टी के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, सभी लोग जानते हैं, और मैं लंबे समय से समाज में ग्राउंड में काम कर रही हूँ। एक दिन में 15 कंप्लेन आ जाना और FIR नहीं होना, ये कहीं की हकीकत नहीं है। मैं साफ टीवी चैनल पे साफ शब्दों में बोल रही हूँ। मैं शबनम पांडे जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ मैम, आपने कहा कि महिलाओं की बात बड़ी आसानी से थानों में सुनी जा रही है। निश्चित तौर पे सुनी जा रही है, लेकिन ये तो कुछ आपको काट रही है, ये तो आपको काट रही है ना। वन स्टॉप सेंटर खुला हुआ है, महिलाएं जाके वन स्टॉप सेंटर में FIR लिखा रही हैं, और जो छोटी मोटी टेलीफोनिक कंप्लेंट्स है वो 1090 में बाय फोन हो रहा है। और ये मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आप फोन करिए, देखिए वहां तुरंत कंप्लेंट लिखा जाता है। और तमाम ऐसे लोगों से मैं रोजाना मिलती हूँ जो इस बात को कहती हैं कि हमने कंप्लेंट कर दिया है, अब मुझे राहत है। और इस बीच एक बड़ी खबर है लखनऊ से, बड़ी खबर ये है कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों को CM योगी आदित्यनाथ ने वापस कर दिया है जो लेट से पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में लेट से जो ऑफिसर पहुंचे, यानी जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान, उन्हें कहा कि आप लोग जाइए, मीटिंग में आपका कोई काम नहीं है। देरी से आए अफसरों के लिए दरवाजे बंद है, सुरक्षा गार्डों ने अफसरों को लौटाया है। यानी सोचिए, जो सुरक्षा गार्ड है वो जिलाधिकारी को ये कह रहे हैं, पुष्टाहार विशेष सचिव बाल पुष्टाहार लौटा दिए गए, प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेंकटेश को लौटा दिया गया। ये इतने बड़े अधिकारी हैं, लेकिन इन्हें सुरक्षा गार्ड ने बड़े सीधे शब्दों में कह दिया कि आपका टाइम इज ओवर, आप जाइए घर जाइए आप। लखनऊ से यह बड़ी खबर है, जितने अधिकारी लेट से आए हैं उन्हें CM योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था सुरक्षा गार्डों को कि आप वो कितने भी बड़ा अधिकारी हो उसे लौटा दीजिए। देखिए ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ आपको भारत समाचार में देखने को मिलेगी। ये तमाम ऐसे बड़े अधिकारियों को देख रहे हैं जो ये सोच रहे हैं कि काश CM योगी आदित्यनाथ एक बार कह देते, हम अंदर चले जाते, लेकिन इन्हें वापस कर दिया गया है, लौटा दिया गया है। चूंकि CM जब आपके टाइम के पाबंद है, जब आपके DGP टाइम के पाबंद है, जब अनूप चंद्र पांडे टाइम के पाबंद है, जब आनंद कुमार टाइम के पाबंद है, यानी ये सब समय पर पहुंचे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, तो फिर जिलाधिकारी कैसे ये गलती कर सकते हैं, प्रमुख सचिव ये गलती कैसे कर सकते हैं, और ये गलती कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्या इन्हीं सब छोटी छोटी गलतियों की वजह से वीरेंद्र अपराध की संख्या बढ़ी है, इजाफा हुआ है? भाई यहाँ लेट नहीं पा रहे हैं मुख्यमंत्री की मीटिंग में। देखिए ये तो बड़ा अपने आप में आश्चर्यजनक है कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक पूरे प्रदेश के IAS IPS अधिकारी और वहां पर प्रमुख सचिव और सचिव लेवल के लोग लेट पहुंचे। ये गया प्रसाद हाथ में मोबाइल लिए हुए खड़े हैं, एक हाथ में फाइल है, दूसरे में मोबाइल सफेद शर्ट में, यही गया प्रसाद है, विशेष सचिव है ये बाल विकास भ्रष्टाचार विभाग के, और प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेंकटेश भी जो है इसमें नहीं पहुंच पाए मीटिंग में। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कितनी बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही सरकार की, अब ये मौका शायद 6 महीने बाद आए और ये मौका चूक गए ये अधिकारी। नहीं वीरेंद्र, ये सरकार तो प्रमुख सचिव लेवल के हैं, अब अगर जिलाधिकारी और SSP या SP की बात करें, इसी वजह से स्थिति ऐसी हो सकती है प्रदेश में। अब देखिए किन कारणों से ऐसा हुआ ये भी देखना होगा, लेकिन टी वेंकटेश की छवि एक अच्छे अफसर के रूप में रही है उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी भी रहे हैं और बहुत साफ सुथरे अधिकारी माने जाते हैं, तो कारण क्या रहा ये अलग बात है। हम जरूर कह सकते हैं कि लापरवाही हुई कहीं ना कहीं, लेकिन जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है जिस पर शबनम जी कहती हैं, जब ये विपक्ष में थी तो हर घटना पे भाजपा के लोग कुर्ता फाड़ के सड़क पे खड़े होने के लिए चिल्लाने के लिए तैयार रहते थे विधानसभा के सामने। आज इनके यहाँ कोई घटना हो जाए ये 23 मौत पे नहीं बोलेंगी, ये 23 मौत जो हुई बाराबंकी में कर आरोपियों को संरक्षण मिलता था, वो नहीं बोल रही आरोपियों को, ये टप्पल पे क्यों नहीं बोल रही है, ये टप्पल पे नहीं बोलेंगी, टप्पल पे भी मैंने बोला, मैंने कहीं मौलवी ने बलात्कार कर दिया नाबालिग बच्ची के साथ, उसी नगर में गैंग रेप हुआ उस पर नहीं बोले। हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी सुब्रत त्रिपाठी जी भी जुड़े हैं। सुब्रत त्रिपाठी जी, क्या वजह है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो 2017 में थी वही उसके आसपास दिख रही है? देखिए इसका कारण यह है कि अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग, यूपी में 1000 IAS IPS हैं, इनमें अच्छे पदों के लिए मायावती जी ने 100 IAS IPS का चयन किया और 900 जो छूट गए उनमें से केवल 20-25 को अखिलेश जी टाइम में जगह मिल पाई और केवल 30-40 को 900 में से
वर्तमान समय में जगह मिल पाई है, राजनाथ सिंह जी के समय में, कल्याण सिंह जी के समय में, मुलायम सिंह जी के समय में, अन्य युगों में जो ऑप्शंस थे वे एकाएक कैसे नाकारा हो गए और मायावती जी के द्वारा चयनित अफसर ही श्री अखिलेश जी को और वर्तमान सरकार को क्यों अच्छे लग रहे हैं, इस पर भी एक समीक्षा आवश्यक है। और यही कारण है कि ये अफसर लेट हो रहे हैं। जितने आईएएस अफसर आईपीएस लेट हुए हैं इनमें से उठा के सर्वे देख लीजिए, मायावती जी की मीटिंग में आधे घंटे पहले सब लोग कुर्सियां ग्रहण कर लेते थे, क्योंकि बाकी और मुद्दों को उनसे नाराज हो सकता है, लेकिन अधिकारी सरकार को सुब्रत त्रिपाठी जी ठीक है, मायावती की आप बात कर रहे हैं, मैं समझना ये चाह रहा हूँ सर, एक मिनट सर, आप काउंटर सवाल है मेरा, जो लगातार तबादले हो रहे हैं उसकी वजह है कि क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 1000 में से 100 अधिकारी कुछ विशेष मानदंडों पर मायावती जो द्वारा चयनित किए गए वही लोग हर गवर्नमेंट में मेन पोजीशंस पर हैं, लाश है वही, सिर्फ कफन बदली है, केवल जगह बदल रही है, बाकी जो 900 अधिकारी छूट गए उनमें से केवल गिने चुने को मौका मिल रहा है। इस बात पर देखना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों लोग देर से आने की हिमाकत कर रहे हैं, यह हिम्मत किसी अधिकारी में कैसे पड़ रही है, जब चीफ मिनिस्टर को इतने कैजोली आदमी लेगा तो वह कमिश्नर को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, डीएम क्या समझेगा, जो चीफ मिनिस्टर को नहीं कुछ समझ रहा है, आखिर वह किसके बूते पर दम आ रही है, किसके बूते पर खूंटे के बल पर पछड़ा चलता है, आखिर उस डीएम और एसपी में किस महापुरुष के बूते पर यह दम आ रही है कि मुख्यमंत्री को हल्के में लेने की हिमाकत कर रहा है, मुख्यमंत्री के नाम पर, मुख्यमंत्री के पीए के नाम पर अफसर कांपते थे, हम लोगों ने वह जमाना देखा है 40 साल तक, आज ये कैसे स्थिति हो रही है, क्या कहीं? देखिए यहाँ पर पूर्व पुलिस अधिकारी सुब्रत त्रिपाठी का कहना है, सर मैं आपके पास बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ, कि जो 100 अफसर चिन्हित किए गए थे ना वो घूम के बसपा सरकार में भी घूम रहे हैं, वो सपा सरकार में भी घूम रहे हैं, बेहतर पदों पर हैं, और योगी आदित्यनाथ के सरकार पे भी घूम रहे हैं, यानी 900 अधिकारियों में आपको कोई योग्य और बेहतर नहीं दिखता, ये एक पूर्व पुलिस अधिकारी की बात है। देखिए सुब्रत जी, अगर मायावती जी के टाइम की बात करते हैं तो निंगासन में थाने में ही लड़की लटका दी जाती है रेप करके, और लखनऊ में 3-3 डॉक्टर मार दिए जाते हैं, एक डॉक्टर थाने में ही मार दिए जाते हैं, क्या कानून व्यवस्था थी ये हम आप सब जानते हैं, हम आप उत्तर प्रदेश की ही जनता हैं, इसलिए इसको तो कहना कि मायावती जी के समय क्या हुआ उससे कई गुना बेहतर योगी जी की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस पे कर रही है, आज मारे जाते हैं तो कार्यकाल में अपराध बढ़ा था मैम, तभी वो सरकार चली गई। उनके कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने 100 अधिकारी चिन्हित कर लिए थे उसी के इर्द गिर्द ये सरकार भी घूम रही है और उसी के इर्द गिर्द सपा सरकार भी घूम रही थी, यानी 900 में आपको कोई योग्य नहीं दिखा, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए अधिकारियों के ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार उनको दिया जाता है कौन सक्षम है, उनको वैसे पोस्टिंग मिलती है, ये कहना कि ये अधिकारी इस समय थे और ये अधिकारी इस समय, इसकी तुलना नहीं की जाती, इस बात में दम है कि किसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और कौन सक्षम है उनको रखा जाता है। पिछले ने के अपराधों को बयान करके उससे अपनी कमियों को नहीं छुपाया जा सकता, आपके यहाँ जो कमियां उनको दूर करनी होंगी, आपके यहाँ पर जो संकल्प था कि हम पारदर्शी शासन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, गुंडा राज के खिलाफ हमारी हरदम कार्रवाई होगी, वो चीजें जारी रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री की नीयत और उनकी ईमानदारी पूरे उत्तर प्रदेश में लोग जानते हैं, बहुत सालों बाद एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो पूरी तरह से ईमानदार है, वो कठोर कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन जब नीचे के लेवल पर अंतिम आदमी तक वो न्याय ना पहुंचे, वो पारदर्शिता ना पहुंचे, तो इस तरह के सवाल खड़े होते और बहस होती है। तो हम लोग सब यही चाहते हैं कि पुलिस और ईमानदार हो, प्रशासन और ईमानदार हो, भ्रष्टाचार और, यानी बात निकल कर सामने आई है कि पुलिस की ईमानदारी पर सवाल उठ रहे हैं, जो पुलिस के अधिकारी है वो ईमानदार नहीं है, उन्हें इस तरफ ध्यान लाना होगा। शबनम जी कुछ कह रही हैं। विरेन जी देखिए, आपने इन 2.5 सालों में देखा होगा कि जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है जीरो टॉलरेंस पे, उसमें कहीं भी ये नहीं दिख रहा है कि नहीं सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है।
चुनिंदा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी लापरवाही करते हैं तो उस पर हम पूरे पुलिस विभाग को हम नहीं उस पर आरोप लगा सकते हैं। जो चुनिंदा लोग कर रहे हैं उनकी उनको टाइट किया जाएगा और उन्हीं के लिए ये समीक्षा बैठक में उनको कड़े आदेश दिए जा रहे होंगे कि आप सुधर जाइए, नहीं तो फिर आपको दंड भोगना पड़ सकता है, क्योंकि पुलिस अधिकारियों सभी पुलिस अधिकारियों पे हम साधना जगदीश जी ठीक है आरोप नहीं लगा सकते। महिलाओं के खिलाफ अपराध इतने क्यों बढ़ गए हैं? अगर थानों में सुनवाई हो रही है बड़ी आसानी से, उनकी बात सुनी जा रही है, क्या उनकी बात सुनी जा रही है जब वो अपनी समस्या लेकर जा रही है? तो पहले से तो बहुत चेंज आया है, देयर इज नो डाउट कि सीएम जब से आए हैं, लेकिन हर बंदा सीएम तक तो नहीं पहुंच सकता ना। बहुत स्वाभाविक है, किसी की लेवल तो एसएचओ तक होती है। बहुत लोग डरते हैं आम यूपी में थानों में जाते हैं, अभी भी ये स्थिति है। लोगों पहले से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट। लेकिन एक समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक सत्ता भी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति उनकी है, आई मीन इससे अच्छा सीएम हमें नहीं मिल सकता, परंतु समाज की भी तो एक जिम्मेदारी है। अब ये किसी की वृत्ति मानसिक रोगी है कोई और वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है, तो उसके लिए तो हमारे समाज की, उसके परिवार की, उसके आसपास की सराउंडिंग की हमारी भी एक है कि ऐसे व्यक्ति को हम एक्सेप्ट ही ना करें, हम लोग ऐसे व्यक्ति से बात ही ना करें, उसका हुक्का पानी बंद कर दें, उससे बिल्कुल बिल्कुल उसका बायकॉट हो जाना चाहिए। लोग किराए पे मकान दे देते हैं बिना दिखाए, बिना कुछ हुक्का पानी बंद करना, ये कहां तक जायज है भाई? बिल्कुल जायज है। संविधान के तहत उसे जेल भेजिए, अगर हुक्का पानी से क्या होगा, मतलब कोई रेप करेगा तो आप उसको उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे, उससे क्या निकलेगा निष्कर्ष? जो गांव में पहले पंचायत होती थी उसका, अरे कोई रेप कर रहा है उसका हुक्का पानी बंद कर दे, क्या उसे फांसी मिलनी चाहिए? समाज उससे उसको अवॉइड करे, इससे बहुत फर्क, वो जेल में होना चाहिए ना, आप तो कह रहे हो वो सबके सामने रहना चाहिए। जेल पे वो नहीं आया हुआ था व्यक्ति, वो व्यक्ति बेल पे आ गया, क्यों उसको बेल मिली? ये तो न्यायपालिका का काम है ना कि ऐसे व्यक्तियों को बेल ही नहीं मिलनी चाहिए। चप्पल में जो हुआ वो तो बेल पे था, वो बेल पर था चप्पल वाला, तो उसको अगर वो आता भी है तो ऐसे व्यक्तियों को एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए समाज में। क्यों हम लोग बात करते हैं ऐसे, कहीं पे कार जल रही है, कहीं पे सिगरेट लड़के पी रहे हैं, कहीं पे लड़की का दुपट्टा छिन रहा है, वहां पे सब लोग क्यों नहीं आगे आते हैं? खाली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे समाज की भी तो जिम्मेदारी है, जिसके लिए हम लोग लगातार कार्यरत है। राजनीतिक इच्छा तो बहुत है हमारे सीएम की, लेकिन समाज कहाँ है? बाकी देखिए आप, गुंडागर्दी बिल्कुल बंद है, आम लोग, अरे मैम इसी समाज ने मुख्यमंत्री को चुना है, आप समझ नहीं रहे हैं क्या बात को? इसी समाज ने तो मुख्यमंत्री को चुना है ना। वी आर वेरी हैप्पी विद सीएम, वी आर वेरी हैप्पी विद सीएम, बट ये जो छोटे छोटे अपराध है जिसमें अचानक की कोई चलते चलते किसी को गोली मार दे, त्रिपाठी जी से उसके लिए कोई क्या कर सकता? सुभाष त्रिपाठी जी और भी सामाजिक कर्तव्य, ये बच्चियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों होते हैं और इन्होंने पुलिस में बहुत वर्क किया है, उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए इसके पीछे मुझे कोई गंभीर साजिश नजर आ रही है। जैसे आप एक बार याद कीजिए, जब नेताजी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो नए लड़कों के साथ होमोसेक्सुअलिटी करके मार मार करके उनकी लाशें वीआईपी जगहों पर फेंक दिया थी। उस कांड का खुलासा लिखा पढ़ी में सामने नहीं आया, लेकिन अनौपचारिक रूप से खुलासा हो गया। अब कुछ महापुरुषों के नाम प्रकाश में मौखिक आए, उसके बाद से एकाएक सारे कांड बंद हो गए। ये जो एक सीरीज के रूप में इधर लड़कियों के साथ अपराध हुए हैं, अब तफ्तीश से असली बात पता चलेगी, लेकिन तफ्तीश सोच नहीं पाती है कि प्रायः पुलिस दुश्मनी जिनसे होती है उनके नाम खोल करके और कुछ कहानियां गढ़ करके जल्दी वर्कआउट करने के दबाव में एक नया कहानी गढ़ देती है। वरना अगर मैं पूछ रहा हूँ, जब मुलजिम पकड़े गए तो उनको शरण किसने दिया? कहाँ छिपे थे वे इतने दिन? आज तक किसी केस में क्या लाइट में लाया गया है शरणदाताओं के नाम? उनके किससे टेलीफोनिक कॉल हुई? यानी सुब्रत जी का ये कहना है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते भी इस तरह की घटनाएं हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दोपहर वार में आप सभी मेहमानों का, शबनम जी आपका, एपी तिवारी जी आपका, वीरेंद्र सिंह आपका, साधना जी आपका। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक बुलाई है जिसमें 75 जिलों के जिला अधिकारी के साथ साथ 75 जिलों के पुलिस अधीक्षक या पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यहां पर मौजूद हैं और ये एक मैराथन बैठक है। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ चूंकि बेहद नाराज हैं बढ़ते अपराध से, इसलिए उन्होंने बुलाई है। कोशिश तो यही होगी कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाए।